प्रभु हम पर कृपा बना कर रखिएगा। हम नया धंधा स्टार्ट किए हैं डीजे का, हमारा डीजे वाला धंधा चलवा दीजिए। भैया, ओ भैया। हाँ हाँ बोलिए, डीजे बुक कराना है? नहीं नहीं सेठ जी, हम लोग को नौकरी चाहिए। अरे अभी नौकरी वकरी नहीं दे सकते हम, हमारा नया नया धंधा स्टार्ट हुआ है। अरे सेठ जी दे दीजिए, हम 5,000 रुपया लेंगे और ये भी 5,000 रुपया लेगा। 5,000 रुपया में आपको स्टाफ कहाँ मिलेगा? हम लोग को पूरा डीजे बजाने भी आता है बढ़िया से। आपका धंधा हम लोग यूँ चला देंगे, यूँ हम लोग को एक बार रख के देखिए। 5 आदमी का परिवार है हम लोग का, हम लोग के पास जॉब नहीं है। अरे स्टाफ का तो जरूरत है नहीं हमको, लेकिन अगर तुम लोग बोल रहे हो तुम लोग को डीजे बजाने बढ़िया से आता है तो रख के देख लेते हैं, अगर बढ़िया से काम नहीं करोगे तो निकाल देंगे नौकरी से। लेकिन 4,000 रुपया करके देंगे। ठीक है सेठ जी, 4,000 रुपया भी चलेगा। हाँ वो तो चलेगा, लेकिन हमारा डीजे भी चलना चाहिए, ऐसा नहीं नाम खराब कर देना। कहे कि हम टकला नेता है, हमारा नाम बहुत है कद्दूपुर में, टकला डीजे वाला का नाम खराब नहीं होना चाहिए। अरे सेठ जी चिंता मत कीजिए, आप हम दोनों भाई को रख लिए ना अपने यहाँ, ये बहुत बड़ा बात है। अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, कंबल तानिए और सो जाइए बढ़िया से, सारा काम हम दोनों भाई संभाल लेंगे। ऐसा डीजे बजाएंगे ना कि लोग आपको बजा कर चला जाएगा। अरे लोग हमको क्या बजा कर चला जाएगा, मतलब तुम दोनों भाई हमको मार खिलवाओगे? अरे सेठ जी गलती से मिस्टेक हो गया बोलने में, हमारा कहने का मतलब ऐसा डीजे बजाएंगे ना कि सबका फाड़ के रख देंगे। अरे क्या फाड़ के रख दोगे? अरे सेठ जी कान फाड़ के रख देंगे सबका, उसके बाद साला सब बहरा हो जाएगा, डीजे बंद करके रख देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि डीजे बज रहा है कि नहीं बज रहा, उनका पैसा भी बच जाएगा सेठ जी। अरे तुमका जितना काम समझा रहे उतना करो समझे, नहीं तो नहीं रखेंगे नौकरी पे। जैसा डीजे बजाया जाता वैसे बजाना समझा। अरे सेठ जी चिंता मत कीजिए, हम लोग का पहले एक बार काम देखिए तब बोलिएगा। अरे चिंता कैसे नहीं करे, तुम लोग का बातें सुन के हमको खतरनाक लग रहा है, कभी बोलते हो बजा के रख देंगे, कभी बोलते हो फाड़ के रख देंगे, तो डर नहीं लगेगा? ऐसा तुम लोग का नाम क्या है? अरे सेठ जी हमारा नाम है गोरा कद्दू और इसका नाम है काला कद्दू। अच्छा अच्छा ठीक है कस्टमर को आने दो। ए भैया डीजे बजाइएगा। सेठ जी हमको हैंडल करने दीजिए, हम बात करते हैं, आपको डेमो दिखाते हैं। हाँ भैया बढ़िया से बजाएंगे देखिए। अरे बंद करो गाना, क्या कर रहे हो ये तुम? अरे आप ही तो बोले कि डीजे बजाइएगा तो बजा कर सुना रहे हैं। अरे तो हम तुमको यहाँ पे डीजे बजाने के लिए बोले थे। अरे तो बताइए कहाँ पर बजाना है, वहीं ले जाकर डायरेक्ट बजाते हैं। अरे हड़बड़ा कह रहे हो, पहले बात तो तय करो। अरे हम लोग बात करके टाइम खराब नहीं करते हैं, डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं। आपको डीजे बजवाना है ना, बोलिए कहाँ बजवाना है, ले जाकर बजा देते हैं बढ़िया से। अरे क्या पैसा लोगे नहीं लोगे ये बताए नहीं, हमारे यहाँ कौन सा प्रोग्राम है कौन सा गाना बजाना है ये सुने नहीं, बोलते हो डीजे बजा देंगे, ऐसे कैसे बजा दोगे? पहले सुनो हमारा बात, हमारा माई मर गया है और हमारा माई का अंतिम इच्छा था कि हम जब मर जाएंगे तो हमारा मरने पे डीजे बजाना, तो हमारे यहाँ आके तुमको डीजे बजाना है। अरे तो बजा देंगे, इसमें इतना सोचना क्या है? ऐसे गोरा कद्दू मैयत में कौन सा गाना बजाना अच्छा होगा जिनसे इनकी माई को शांति मिले और स्वर्ग की प्राप्ति हो? ऐसे तो बहुत सारा गाना है, लेकिन इसकी माई के मैयत पे तुम मुझसे शादी करोगी गाना बजाना। हाँ ये गाना बहुत बढ़िया है, मुझसे शादी करोगी, टिंग रिंग 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 रिंग, मुझसे शादी करोगी। अरे बंद करो तुम अपना गाना। ऐ भाई साहब कैसा पागल लोग रखे काम पे, बोलता है मैयत में शादी का गाना बजाएगा और वो भी बोलता है मुझसे शादी करोगी, हमारा माई मर गया शादी किससे करेगी? रे काला कद्दू तुम लोग चुप रहो, भाई साहब आप हमको बताइए, इस लोग को आज नया नया काम पे रखे है ना, समझने में समय लगेगा, आप हमको बताइए कि कब डीजे बजवाना है, आपके यहाँ बढ़िया से मैयत का गाना वगैरह बजवा देंगे हम। वो तो ठीक है, पैसा कितना लीजिएगा? 10,000 रुपया दे दीजिएगा। मार्केट में तो 8,000 रुपया में मिल रहा है डीजे, लेकिन हमारे जैसा क्वालिटी नहीं ना मिलेगा। अरे गाना क्या तुम अपना मुंह से गाओगे क्या, जो क्वालिटी का बात कर रहे हो, गाना तो तुम फिल्मी बजाओगे ना? अरे फिल्मी गाना ही बजाएंगे, लेकिन हमारा जो डीजे है ना बढ़िया कंपनी का है, उसमें साउंड बढ़िया आता है। अच्छा ठीक है शाम में 7 बजे भेज देना। हाँ तो कुछ एडवांस कर दीजिए। हमारे यहाँ शादी का प्रोग्राम है, डीजे भेज दीजिएगा भैया। हाँ भैया निश्चिंत रहिए, डीजे वाला आ जाएगा। सुनो रे गोरा कद्दू तुम जाना शादी में और काला कद्दू तुम जाना मैयत में।
ये दो पेन ड्राइव है, लाल वाला में शादी का गाना है, ब्लू वाला में मैयत का गाना है, ठीक है। अरे चलो काला कद्दू, टाइम हो रहा है, डीजे लेके जाना है ना हम लोग को। हमको लाल पेन ड्राइव लेना था, तुमको ब्लू। अरे नहीं रे पगला, लाल वाला हमको लेना था, ब्लू वाला तुमको लेना था। तुमको याद है पूरा? हमको तो लग रहा है लाल वाला हमको लेना था। अरे नहीं, हमको पूरा याद है, लाल वाला हमको लेना था। कौन कौन सा गाना बजा रहा है, उसको गाना चेंज करने के लिए बोलो बेटा, मरने में तकलीफ हो रहा है बेटा। अरे ये सासू माँ जिंदा कैसे हो गई? ये तो मर गई थी ना। ये पगला डीजे वाला का गाना सुनकर जिंदा हो गई, लेकिन अभी ये मरना चाह रही है, और अगर ये पगला डीजे वाला गाना बंद नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो ये वापस से ठीक हो जाए। ए बाबू रे, क्या बजा रहा है तुम मैयत में? मैयत में ये सब गाना बजता है, तुमको दुकान पे भी समझा रहे थे, तुम्हारा सेठ को भी समझा के गए थे कौन सा गाना बजाना है नहीं बजाना है, क्या बजा रहे तुम? हमारा बेइज्जती करवा रहे हो। अरे अच्छा तो लग रहा है, मजा तो आ रहा है, तुमको नाटक बहुत है। जिस चीज पे तुमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए उस पे तो तुम्हारा ध्यान है नहीं। माई मर गया उस पे रोना धोना चाहिए, वो छोड़ के तुम गाना के पीछे पड़े हो, ये गाना चला वो गाना चला। साले तुम यहाँ गाना सुनने आयो क्या कि मैयत में रोने आयो? अरे साला तुमको हम पैसा दे रहे हैं, ऊपर से हमको घड़िया रहा है, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। एक तो जो गाना हम बोले वो बजा नहीं रहा है, ऊपर से बकवास कर रहा है, मैयत में शादी वाला गाना बजा रहा है। अरे साला तुम जो सेठ जी को बोल के गए वही गाना बजा रहे हैं। अरे हम ये सब गाना तुम्हारा सेठ को नहीं बोले थे, लगता है तुम्हारा सेठ भी तुम्हारी तरह पागल है, अभी बताते तुम्हारा सेठ को हम। हेलो, अरे क्या हेलो, मार के टकला फोड़ देंगे तुम्हारा। तुमको हम क्या बोले थे गाना बजाने के लिए, क्या बजा रहा है तुम्हारा डीजे वाला यहाँ पे? साला पैसा लेने आता है तुम लोग को, खाली काम करने नहीं आता है, पागल साला। अरे क्या हुआ फिर, क्या बकवास कर रहा है, करिया कर रहा है, हमको कौन सा गाना बजा रहा है? आप जो बोले तभी ना बजा रहा है। अरे हमारा माई मर गया है तो मुझसे शादी करोगी गाना बजा रहा है, हां शादी वाला गाना सब बजा रहा है। अरे साला ये पगला लोग हमको मार खिलवाएगा, समझाए थे पागल लोग को कि लाल वाला में शादी का गाना है, ब्लू वाला में मैयत का गाना है, लगता है पेन ड्राइव चेंज कर दिया है। हमको लग ही रहा था साला बेवकूफ सब इसीलिए बोल रहा था, ऐसा गाना बजाएंगे ना आपको बजा के चला जाएगा। अरे क्या सोच रहे हो, हां एक तो उल्टा सीधा गाना बजवाते हो, ऊपर से जवाब नहीं देते हो, चोर कहीं का? अरे हम चोर नहीं है। चोर नहीं है तो इधर आओ, पैसा जो एडवांस दिए थे दे के जाओ, अपना डीजे लेके जाओ, हमको नहीं बजवाना है तुम्हारा डीजे वाला से गाना। हाँ आ रहे आ रहे। कितना देर में आओगे? अरे 15 मिनट पे पहुँच रहे हम। अरे ये कौन सा गाना सब बजा रहे हो हमारा बेटा के शादी में तुम? हमारा बेटा का यहाँ शादी हो रहा है, श्राद्ध नहीं हो रहा है, जो ये सब गाना बजा रहे हो। हाँ तो आखिरी में तो श्राद्ध ही ना होगा, इसीलिए बजा रहे ये गाना, ऐसे भी तो आप ही बोल के गए थे सेठ जी को ये सब बजाने के लिए। अरे हम कब बोले थे ये सब गाना बजाने के लिए, और क्या बकवास कर रहे हो कि श्राद्ध होगा? अभी हमारा श्राद्ध हुआ नहीं, हमारा बेटा का श्राद्ध होगा। क्या बात कर रहे हैं, आपका श्राद्ध नहीं हुआ अभी तक, करवा लीजिए तब इंतजार क्या कर रहे हैं? गाना तो बजिया रहा है, एक ही पैसा में दो काम हो जाएगा, शादी भी हो जाएगा आपका, श्राद्ध भी हो जाएगा। अरे पागल है क्या रे तुम, क्या बकवास कर रहा है? तुम यहाँ शादी में डीजे बजाने आया है या हमारा श्राद्ध करने आया है? अरे पागल, तुम्हारा बाप होगा और तुम्हारा बेटा होगा, समझा? जो गाना तुम बोला था वही बजा रहे, ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो इतना जोर से साउंड करेंगे ना सबका हार्ट फेल हो जाएगा, फिर तुम्हारा नहीं तुम्हारा पूरा खानदान का श्राद्ध मन जाएगा यहीं पे। अरे अभी तुम्हारा सेठ से बात करते हैं, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हेलो, क्या रे पगलेट, तुमको हम अपना बेटा के शादी में मैयत का गाना बजाने बोले थे? शकल से तो तुम शरीफ लग रहे थे, हमको नहीं मालूम था इतना बड़ा चोर और दोगला हो गए तुम। चुपचाप से हमारा पैसा यहाँ लेकर आओ और ये डीजे यहाँ से लेकर जाओ, हमको नहीं बजवाना है कोई भी गाना शादी में। अरे हाँ अरे अरे, और पगलेट पगलेट मत बोलिए, हमको स्टाफ लोग के चक्कर में उल्टा सीधा हुआ है, अरे हम ले जा रहे अपना डीजे। अरे 5 मिनट के अंदर आना, काहे कि तुम्हारा डीजे के लिए बारात नहीं रुकेगा, हम दूसरा डीजे बुक कर लेंगे तब तक। अगर 5 मिनट में तुम यहाँ नहीं आए तो तुम्हारा डीजे का गाड़ी को आग लगा के फूंक देंगे। अरे जब फूंक नहीं है तो आग क्या लगाओगे?
और खबरदार जो हमारा गाड़ी को छुए तो हमारे 5 मिनट पे तुम्हारे यहाँ। हेलो, क्या रे साला, तुम बोला तो 15 मिनट में आ रहे हैं, चोर कहीं का अभी तक आया नहीं, 20 मिनट हो गया है, कहाँ है तुम? आता है कि तुम्हारा डीजे का पूरा गाड़ी तोड़ फाड़ दे। अरे तुम्हारे माई के लिए ना स्वर्ग में कमरा बुक कर रहे साले, बोल रहे आ रहे तो बाद में फोन कर रहा है। अरे हमारा माई का स्वर्ग में कमरा बुक करने वाला तुम कौन होता है? मार के देह छील देंगे तुम्हारा हम। अरे हम तुम्हारा बाप है, बाप से ऐसे बात करेगा रे तुम? हाँ तब से देख रहे बकबक किए जा रहा है, नहीं बोल रहे तो समझ के क्या रखा है तुम लोग टकला नेता को? अरे साला तुम बहुत बोल रहा है, अभी तुम्हारा डीजे वाला गाड़ी को आग लगाते है। अरे खबरदार जो हमारा गाड़ी को छुआ हमारे 5 मिनट में आ रहे तुम्हारे पास, हिसाब किताब करते है तुम्हारे साथ। हेलो, तुम्हारा गाड़ी को जला दिए हैं, राख बचा हुआ ले जाना नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा। 5 मिनट तुमको दिए थे, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। अरे हम तुम्हारा देह तोड़ देंगे, हमारा गाड़ी को आग लगाया तुम, हमारा आदमी मुंह देख रहा था जब तुम आग लगा रहा था तो वो तुमको रोका नहीं। अरे वो कैसे रोकेगा, हम तो सिर्फ तेल डाले थे, आग तो तुम्हारा आदमी ही लगाया। क्या साले को छोड़ेंगे नहीं हम? अरे हमारा गाड़ी को आग लगा दिया रे साला, तुमको हम बोले थे ना हमारे 5 मिनट में, हमारा गाड़ी को कहीं जला दिया, हमारा आदमी कहाँ है? अरे तुम्हारा आदमी तो हमारा माँ का मैयत में भोज खा रहा है। तुम्हारा को अपना गाड़ी अपने पास डीजे वाला, एक तो स्टाफ को उल्टा सीधा पेन ड्राइव थमाता है, ऊपर से बकवास करता है साला पागल। अरे गलती हमारा स्टाफ का था, उसको बैठ के भोज खिला रहे हो और हमारा गाड़ी चला रहे हो। अरे आग हम नहीं लगाए हैं, तुम्हारा स्टाफ ही लगाया है। कह रहा था ये डीजे अच्छा नहीं है, पेन ड्राइव तो सही लगाया, गाना उल्टा सीधा बज रहा है और इसी के चक्कर में झंझट हो रहा है, तो जिस चीज से झंझट हो रहा है उसको रहने का अधिकार नहीं है, इसीलिए जला देते हैं इसको। तो वो आग लगाया तुम्हारा डीजे वाला गाड़ी पे, तो हम सोचे इतना मेहनत कर रहा है तो भोज करवा देते हैं उसको। अरे सलाम छोड़ेंगे नहीं इस दोनों को। दोस्तों टकला नेता कमेटी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो का, अपना नुकसान करवा दिया लोग।